पहले मैं मुस्लिम थी ना, मेरा नाम सुल्ताना था, और अभी तो मेरा नाम शुभी दासी है। पहले मुस्लिम थी तो क्या नाम था? सुल्ताना बेगम, सुल्ताना बेगम। अगर उनको ज़्यादा भी दिक्कत है कि मैं हिंदू थी या मुस्लिम थी या मैं जन्म से हिंदू हूँ, तो उनके लिए ये मेरे 10th की मार्कशीट की जीरोक्स है। आप क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है सुल्ताना बेगम। तो ये उन जो आपको कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं हिंदू ही होंगी, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें हो रही है, उसके लिए ऐसी लड़कियों को तो मैं यही कहूँगी कि मेरी बहनों, आप लोग अभी समझ जाइए, क्योंकि अभी भी समय है। क्या पता आपके पास कोई तिलक लगा के आए, चंदन लगा के आए, या कुछ भी धर्म का गेटअप में आए और कुछ अलग नाम बताए, तो आप समझ जाइए कि ये सब चीज़। क्या नाम है आपका? कौन सा नाम, पहले वाला या अभी वाला? मतलब पहले मैं मुस्लिम थी ना, मेरा नाम सुल्ताना था, और अभी तो मेरा नाम शुभी दासी है। पहले मुस्लिम थी तो क्या नाम? सुल्ताना बेगम। और अब? शुभी दासी। तो आपने ये धर्म चेंज क्यों करना पड़ा? क्योंकि सनातन धर्म के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा अंदर से भावना थी, और मुझे लगता है कि सनातन धर्म, मेरी अपनी श्रद्धा है कि मैं ठाकुर जी की भक्त तो थी शुरू से ही, और मुझे लगता है कि सनातन धर्म में जो लड़कियों को मान सम्मान मिलता है वो अधर किसी धर्म में नहीं मिलता। ये मैंने खुद भी देखा है, क्योंकि मैं मुस्लिम धर्म में पली बड़ी और हिंदू धर्म की अपनी सहेलियों को देखती थी, उनका रहन सहन, मेरा रहन सहन, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा। जैसे आप रायपुर में आपने जो है गुरु जी को राखी भी बांधी थी, राखी बांधने के बाद आपने हिंदू धर्म अपनाया था, लेकिन उस वक्त आपको क्रिटिसाइज़ किया गया, बोला गया कि आप तो प्लांटेड हिंदू हैं, आपने पैसे लिए होंगे, और आप मतलब मुस्लिम हो ही नहीं सकती क्योंकि आप कोई ऐसे धर्म अपना नहीं छोड़ेगा, वो अल्लाह को मानेगा या किसी और को मानेगा, इस तरीके से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब बातें फालतू की झूठी बातें हैं जो फैलाई जा रही है, और जो भी इस झूठ में मतलब है शामिल, तो मैं उनको बता दूं, पहले तो गुरुजी उनकी ठठरी बांधेंगे जो कि मेरे प्यारे भैया बने हैं, और दूसरी, अगर उनको ज़्यादा भी दिक्कत है कि मैं हिंदू थी या मुस्लिम थी या मैं जन्म से हिंदू हूँ, तो उनके लिए ये मेरे 10th की मार्कशीट की जीरोक्स है। आप क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है सुल्ताना बेगम। हाँ जी, इसमें मेरा रोल नंबर भी है, दिल्ली बोर्ड CBSE। तो ये उनको जो आपको कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं हिंदू ही होंगी, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ये झूठ बोल रही है वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें हो रही है, उसके लिए है। और बाकी आप देख सकते हो कि मैं मुस्लिम ही थी। जो लोग ये कहते थे कि आपको पैसे मिले होंगे? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, मुझे 1 रुपये नहीं मिले। तो आपको क्यों छोड़ना पड़ा, जो मुस्लिम धर्म क्यों छोड़ना पड़ा? मुझे मुस्लिम धर्म इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उस धर्म में और सनातन धर्म में मुझे बहुत फ़र्क दिखा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदू धर्म में जिस तरह से बेटियों को सर का ताज बना के रखा जाता है, वो मुस्लिम धर्म या किसी भी धर्म में नहीं है। जिस तरह से बेटियों की कन्या पूजा हिंदू धर्म में होती है, वो किसी भी धर्म में नहीं होती है। बेटियों को मान सम्मान जो मिलता है हिंदू धर्म में, सनातन में, जो शुरू से मिलता आ रहा है और आज भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, वो ना किसी धर्म में मिला था, ना मिला है, ना मिलेगा, ये मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। जैसे लव जिहाद को लेकर गुरुजी कहते हैं कि जो सनातनी लड़कियां हैं वो किसी और धर्म में जाके शादी करती हैं और इसके बाद रिजल्ट सबके सामने है, तो ऐसी लड़कियों को क्या कहेंगे आप? ऐसी लड़कियों को तो मैं यही कहूंगी कि मेरी बहनों, आप लोग अभी समझ जाइए, क्योंकि अभी भी समय है। क्या पता आपके पास कोई तिलक लगा के आए, चंदन लगा के आए, या कुछ भी धर्म का गेटअप में आए और कुछ अलग नाम बताए, तो आप समझ जाइए कि ये सब चीज़ें, आपको अगर दोस्ती करनी है तो किसी सनातन से करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छा दोस्त होगा या आपको प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो भी आपके साथ रहेगा ना, वो कभी आपके लिए आपके सामने आके अपना नाम नहीं बदलेगा, अपना धर्म नहीं छुपाएगा। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि जो इंसान अपना नाम छुपा रहा है, अपना धर्म छुपा रहा है, वो कभी आपका हो ही नहीं सकता। उसका तो एक ही टारगेट है, जिहादियों का सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि बहन बेटियों को फंसाना, उनको धर्मांतरण कराना, बच्चे पैदा करवाना, ठीक है, फिर तलाक 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 या किसी भी तरह से बोल के उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना। तो ये जिहादियों का कोई धर्म नहीं होता है, जिहादी सिर्फ जिहादी होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका एक ही मकसद होता है, बहन बेटियों को बहलाना, फुसलाना, अपने पास मिलाना, ना माने तो उनको चाकू से गोद देना या फ्रिज में सजा देना या कुकर में उबालना। सुल्ताना बेगम से और शुभी दासी बनने तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही है, जितनी चीज़ें पहले समझती थी उससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, और मुझे सनातन में आने का 1% भी कहीं से कोई भी दुख नहीं है। कोई अकेले में बैठती हैं तो मलाल तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं लगता कि सारा परिवार छूट गया, सारे लोग, आप अकेली हो गई और मैंने गलत कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों होगा भाई, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत कुछ इतना दुख पाया है मैंने, और सनातन में आके मुझे दुख ही नहीं मिल रहा है, तो क्यों होगा, मैं तो खुश हूँ।
बहुत खुश हूँ। जैसे गुरुजी ने आपको भरोसा दिया था रायपुर की कथा में, मंच पे बुलाया था, राखी बंधवाई थी, बहन बनाया था, तो आपको आज से 5-10 साल बाद चीज़ें बदलेंगी, तो क्या आपको लगता है कि यही भरोसा कायम रहेगा आपका? भरोसा तो मेरा कायम है, बिल्कुल है भरोसा कायम। भैया ने तो कहा भी है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तो है उन पर भरोसा मेरा है। और जैसे जो लड़कियां हैं वो दूसरे धर्म में जा रही हैं, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, फिर इसके बाद जो रिजल्ट है, तो उनको आप लास्ट में क्या कहेंगे? उनके लिए तो बस इतना कहूंगी कि सबसे पहले तो आप द केरला स्टोरी देख लीजिए, जो कि मैंने भी देखी है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करती हूँ। भैया ने भी समर्थन किया है, योगी जी ने भी समर्थन किया है। चीज़ और जैसे आपने सनातन में वापसी करी, उसके बाद आपको फ़ोन कॉल आए होंगे कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, अपना धर्म छोड़ दिया, मुस्लिम धर्म छोड़ दिया, ऐसे बहुत सारे कॉल आए होंगे, बहुत लोगों ने रोका होगा, बहुत लोगों ने कहा होगा ये क्या कर लिया? आए थे कॉल, लेकिन मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने बस इतना ही कहा कि श्रद्धा में किसी का जोर जबरदस्ती नहीं होता है। मेरे मन में जो था, जिनके लिए श्रद्धा थी, मैंने उनको अपना लिया। बाकी मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी धर्म में खुश रहे। मैं किसी भी धर्म की विरोधी नहीं हूँ। जिसका जिसमें श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा को निभाए तन मन से। मैंने उनको यही कहा और लास्ट में मैंने अपना नंबर भी बदल दिया ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो बार बार। तो जैसे अब नौकरी मिलने में या फिर किसी चीज़ में दिक्कत तो नहीं आती? डॉक्यूमेंट आपके पुराने वाले होंगे और आपका अब वापसी हो चुकी है सनातन में, तो नहीं ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी जॉब तो अभी नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने जहाँ भी जॉब के लिए जाती हूँ जो सच है वो बताती हूँ उनको, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आज भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो सब इंसानियत को समझते हैं और उनको काम से मतलब है। तो मेरे चल रहे हैं इंटरव्यू, अभी जॉब कहीं फाइनल हुई नहीं है, जॉब अभी नहीं मिली है मुझे। कुछ लोग ये और कहते हैं कि जैसे आपकी सनातन में वापसी तो हो गई, लेकिन आपका गोत्र क्या होगा, जाति क्या होगी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी तो फिलहाल गुरुजी ने मुझे दासी कहा है, क्योंकि मैं ठाकुर जी की भक्ति करती थी और करती हूँ आज भी, और उन्होंने ही बागेश्वर धाम से जोड़ा ये भी कहा है उन्होंने, तभी मैं उनकी बहन बन पाई। और रही गोत्र की बात, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं शादी तो करूँगी और सनातनी से ही करूँगी, और उस शादी को मैं सबके सामने लाऊँगी भी, और जो भी मेरा हस्बैंड बनेगा उसका जो गोत्र होगा वो मेरा गोत्र होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर भी शादियाँ होती हैं ना, गुरु जी करवाते हैं, तो भविष्य में यहीं पर करेंगे या फिर? यही करने की इच्छा है, बागेश्वर धाम में ही। बागेश्वर धाम में ही भैया के सामने ही करूँगी, जब भी करूँगी। तो मतलब वापसी भी आपने भैया के सामने करी, तो शादी भी उन्हीं के? हाँ भाई, जब मैं उनको भाई मानी हूँ, बालाजी को पिता मानी हूँ, तो जाहिर सी बात है पिता के आंगन से ही विदा होंगी शादी करके। अच्छा एक चीज़ और बताएं, जैसे आपकी दिनचर्या क्या रहती है? आपने जैसे गले में राधा कृष्ण को डाल रखा है, तो आपकी क्या दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या वही है जैसे सभी लोग की रहती है, सुबह उठना, नहाना, पूजा करना, नॉर्मली खाना। लहसुन प्याज तो मैं छोड़ चुकी हूँ पूरी तरह से, नॉनवेज तो मैं खाती ही नहीं हूँ। पहले कभी खाया? झूठ तो नहीं बोलूँगी, नॉनवेज खाई हूँ 2-4 बार, क्योंकि मुझे उस समय तो कुछ पता नहीं था। और सबसे पहले मैं अनिरुद्धाचार्य महाराज के प्रवचन भी सुनती थी, फिर बागेश्वर धाम के भी प्रवचन सुनी, तो मेरे दिमाग में ये लगा कि अगर हम अपनी एक उंगली कहीं कट जाती है, जल जाती, तो हमें कितनी तकलीफ होती है, तो हम कितने जीवों का हत्या करके, अगर हम खाना बंद कर दें तो जीवों की हत्या भी बंद हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि अगर जैसे जो मांस हम नहीं खाएंगे तो लोग मतलब जितने भी ये प्रजातियां हैं वो बढ़ जाएंगी, तो इनका होगा क्या, इसलिए मांस खाने में दिक्कत क्या है, वो लोग ऐसे कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, प्रजातियों को तो आजकल मशीन की सहायता से भी बढ़ाई जा रही है, ज़रूरी नहीं है मशीनों से भी मतलब प्रजातियाँ बढ़ाई जा रही है। जब खाना ही बंद हो जाएगा तो ये मशीनी कार्यवाही सब बंद हो जाएगी अपने आप। और मैं तो उज्जैन में, जहाँ तक मैंने सुना है कि उज्जैन में टोटल नॉनवेज की दुकानें बंद हो गई है, तो ये चीज़ सारे हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए हर जगह से, ना नॉनवेज की दुकानें खुलेगी ना बंद, ना चलेगी, ना जीव हत्या होगी।